सो आर्ट एग्जीबिशन हाँ यू नो शिवाय आई रियली विश तू भी आता साथ में मन तो मेरा भी बहुत है यार लेकिन बोर्ड मीटिंग है एंड आई हैव टू बी देयर लेकिन मैं तेरी एग्जीबिशन ना लाइव ब्रॉडकास्ट पर देख लूंगा इट्स गोना बी ऑन द वेब सो बोर्ड मीटिंग के बीच में आई मीन आई कैन टेक ब्रेक्स एंड वॉच या कूल ओके चलता हूं वैसे गौरी कहाँ है तूने गौरी से नहीं पूछा एक्चुअली सोच रहा था पूछने के लिए बट क्या करेगी वो वहां पे बोर हो जाएगी ये उससे पूछा या खुद डिसाइड कर लिया गौरी तेरी बीवी है शी इज योर वाइफ नाउ ओके तेरी दुनिया अब उसकी दुनिया होनी चाहिए यू मस्ट इंट्रोड्यूस हर टू योर वर्ल्ड क्या मैं आ सकता हूँ हाँ बड़े भैया आइए ना गौरी जल्दी से तैयार हो जाओ ओम की आर्ट एग्जीबिशन में जाना है ओके हम कैसे जा सकते हैं बड़े भैया नहीं कोई नहीं वो ड्राइवर है ना वो छोड़ देगा तुम्हें जस्ट इसीलिए कह रहे अगर वो हमें साथ ले जाना चाहते तो हमें साथ में लेके जाते पर वो चले गए ना फिर हम क्यों जाएं गौरी वो हाँ वो चला गया शायद तुमसे कहा नहीं होगा लेकिन तुम बीवी हो उसकी आई थिंक यू शुड गो माने तब ना वो तो हमें अपनी बीवी मानती ही नहीं और हमें तो लगता है कि उन्हें ना शर्म आती है हमें अपनी बीवी कहने मेरा भाई ना गौरी यहाँ से थोड़ा कमजोर है उसके कान में बाद में खींचूंगा वो सब छोड़ो तुम तैयार हो जाओ जस्ट गेट रेडी ओके नहीं बड़े भैया हम नहीं जाएंगे अरे मैं हूं ना मैं उसे बोल दूंगा ठीक है पर वो बात है ही नहीं बात हमारे आत्मसम्मान की एक बात कहूं तुमसे मैं आत्मसम्मान तो ठीक है गौरी लेकिन बात ईगो तक नहीं जानी चाहिए क्योंकि जो शादी का रिश्ता होता है ना उसमें ईगो के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए हम जानते हैं बड़े भैया पर ना हम ये भी जानते हैं कि ओमकारा जी हमें अपने लायक मानते ही नहीं इसने कहा है हाँ नहीं ये सच नहीं है तुम ओम के लायक हो इनफैक्ट तुम परफेक्ट हो ओम के लिए गौरी द फैक्ट इज कि अगर तुम दोनों इतने वक्त तक आज तक साथ में हो कोई तो वजह होगी ना गौरी आज ओम का बहुत स्पेशल डे है और मैं चाहता हूं कि उसकी बीवी उसके साथ हो हाँ शायद थोड़ा सा शर्मीला है तुमसे कह नहीं पाया कि आओ मेरे साथ आर्ट एग्जीबिशन में लेकिन मुझे लगता है कि उसकी बीवी होने के नाते तुम्हें वहां होना चाहिए क्योंकि तुम जानती हो वो तुम्हारे लिए कितनी केयर करता है पर बड़े भैया राखी बांधी है ना तुमने मुझे बड़ा भैया मानती हो तो अपने बड़े भाई की बात मानोगे और ये हम तुम्हें इस घर में ना बहू का दर्जा दे सकते हैं और वो हमने दिया है लेकिन ओम की बीवी की जगह बनाना वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम जाओ और ओम की बीवी के हक से जाओ पर बड़े भैया आप ही ने पहले कहा था ना हमसे कि भाव खाना तो हम हाँ वो पहला स्टेप था और ये दूसरा स्टेप है ओके तुम एक काम करो इतना सोचो मत तुम कंफ्यूज हो जाओगे ओके डोंट गेट कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जो मैं कह रहा हूं ना बस वही सुनो ओके जाओ तैयार हो जाओ और जाओ गो पक्का हाँ पक्का ऑफ कोर्स तैयार हो जाओ अच्छा सुनो एक बात और ऐसे तैयार होना कि वहां से रोम नहीं पूरी दुनिया तुम्हें सिर्फ देखती रह जाए ठीक है Thank you.
एक्सक्यूज मी एवरीवन, मे आई प्लीज हैव योर अटेंशन। आप सभी ने मुझसे पूछा है, कई बार पूछा है कि मेरी पेंटिंग्स के पीछे मेरी इंस्पिरेशन कौन है। तो आइए आज आप सबको अपनी इंस्पिरेशन से मिलाता हूं। सो एवरीवन प्लीज, आई एम प्राउड टू इंट्रोड्यूस माय इंस्पिरेशन, माय वाइफ गौरी। और हाँ, आज आप यहां जितनी भी पेंटिंग्स देख रहे हैं, सबकी वजह और इंस्पिरेशन गौरी। ओंकारा जी, आप अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताएंगे प्लीज?